हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेके पीएसआई यानी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो स्कैम हुआ है, इस स्कैम के मामले में यहां पर जो सीबीआई है दोस्तों, सीबीआई 4 से 5 दिन के अंदर जो है आरोप पत्र जो है दायर कर सकती है। इसमें सीबीआई पूरे घोटाले में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB के अफसरों की भूमिका से पर्दा उठाने की यहाँ पर संभावना है। दोस्तों, आरोप पत्र में बोर्ड के 2 पूर्व केस अधिकारी समेत 4 अफसरों के नाम हैं जिनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। सीबीआई पूरा काला चिट्ठा खोलेगी कि किस तरह से ये जो घोटाला है ये हुआ। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर इस मामले में आरोप पत्र दायर हो सकता है। ऐसा करना सीबीआई के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस मामले में 90 दिन पहले यदि सीबीआई यानी कि अगर 90 दिन से पहले 90 दिन से पहले अगर सीबीआई आरोप पत्र दायर नहीं करती तो इस मामले में गिरफ्तार किए गए जो 13 आरोपी हैं, ठीक है, 13 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको यहां पर जमानत पर छूट जाएंगे, खुद ही वो जमानत पर छूट जाएंगे। ऐसे में सीबीआई नहीं चाहती कि गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिले। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने आरोप पत्र में बोर्ड के 2 पूर्व केस अधिकारी समेत 4 अफसरों के नाम शामिल किए हैं। इसमें बताया जाएगा कि कैसे इन अफसरों की मिलीभगत से उस भर्ती एजेंसी को भर्ती का ठेका ही नहीं दिया जिसको देना चाहिए था, यानी कि जो सिलेक्शन करने वाली कंपनी है उस एजेंसी को ये ठेका ही नहीं मिला जिसको ये ठेका मिलना चाहिए था। दोस्तों, उस एजेंसी को ठेका दिया गया जिसका रिकॉर्ड सही नहीं है। साथ ही इन अफसरों ने ही दलालों को बताया कि कौन सी एजेंसी से भर्ती करवाई जा रही है, कहां से इसके पेपर निकाले जा रहे हैं और कहां से इस पेपर को लीक किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस पूरे घोटाले में बोर्ड की भूमिका से पर्दा हटाएगी कि किस तरह से इन अफसरों ने घोटाले की यहाँ पर साजिश रची है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरोपियों को 10 दिन की यहाँ पर रिमांड पर लिया गया है, आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई की ओर से गिरफ्तार 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह निवासी मुरलीपुर रेवड़ी हरियाणा, SSI अशोक कुमार निवासी पलावाला जम्मू, बजिंदर सिंह निवासी करनाल हरियाणा और प्रदीप कुमार निवासी बदरासी कॉलोनी दिल्ली को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार इन आरोपियों को DSP प्रशांत शर्मा ने CJM जम्मू के समक्ष पेश किया। इसमें आरोपियों के लिए 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी। दोस्तों, जिनकी गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, इस मामले में सीबीआई अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें BSF कमांडेंट कर्नेल सिंह शामिल हैं, SSI अशोक कुमार, CRPF कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, पुलिस कर्मी रमन कुमार, सरकारी टीचर जगदीश शर्मा और इसके अलावा भी कई लोग इसमें शामिल हैं। इन सभी लोगों के नाम सीबीआई के आरोप पत्र में शामिल हैं जबकि JKSSB के अफसरों के नाम भी यहां पर शामिल किए हैं। दोस्तों, यहां पर जिन लोगों की भी सिलेक्शन हुई है आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि उन कैंडिडेट्स की यहां पर सिलेक्शन की गई जो यहां पर डिज़र्व ही नहीं करते थे। दोस्तों, यहां पर उन लोगों की सिलेक्शन की गई यानी कि पैसे के दम पर यहां पर सिलेक्शन की गई थी। दोस्तों, अगर यही लोग यहां पर आकर किसी सिस्टम में किसी डिपार्टमेंट में आकर, आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो है जब वो किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे दोस्तों तो उस डिपार्टमेंट को किस तरीके से ये यहाँ पर सुधार लाएंगे दोस्तों, जबकि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।